हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भाजपा एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिनसे कई खास सवाल करेंगे। सर, शामली से भारत जोड़ो यात्रा निकली है और राहुल गांधी बोल रहे हैं भूख से मरने के बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे मोदी। देश में नफरत की जगह शांति लाएगी भारत जोड़ो यात्रा, हम देश की आवाज सुनने के लिए निकले हैं। राहुल गांधी जी ने सभी देश जानता है और खास तौर से उत्तर प्रदेश से यहाँ निकले, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति कांग्रेस की है, उनकी पार्टी है, वे अपना काम कर रहे हैं पार्टी को जिंदा रखने के लिए, हर नेता अपना काम करता है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में वे जो कह रहे हैं माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम प्रदेश सरकार में हुआ है, चाहे वो विकास का काम हो, शामली के अंदर अगर हम बात करें 5 हाईवे यहाँ बन रहे हैं और कानून व्यवस्था का तो कहना ही क्या है। आज हमारी बेटियां महिलाएं सब रात को भी जाती हैं, किसान खेत पर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब व्यवस्था उन्होंने यहाँ प्रदेश के अंदर की है उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकली, कांधला केराना हरियाणा गए हैं, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए हर नेता अपना काम करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका कोई मायने नहीं। मंत्री जी, राहुल गांधी ने दो बहुत अच्छी लाइन कही है, मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूँ। मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने के नाम पर मजाक उड़ाया है, युवाओं को ठगा है, तो चौधरी साहब क्या सोचते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में अभी 5 लाख नौकरियां तो मिल चुकी है। वो कह रहे मेरे बयान के बाद मोदी जी ने नौकरी दी है। वो तो विपक्ष क्या कहता है, हर नेता की यहाँ अपनी एक आवाज है, वो अगर कहा तो उनके कहने पर कर दिया। और अभी अभी माननीय योगी जी का बयान था, अभी शायद 5-6 लाख नौकरियां और प्रदेश सरकार निकाल रही है, हर विभाग की नौकरियां, अभी पुलिस की नौकरियां बहुत निकाली है। तो माननीय योगी जी का जो फैसला है वो आप देख रहे होंगे, आप भी काफी दिनों से सहारनपुर यहाँ घूमते हैं, आज जो हाईवे बने हैं, आज जो विकास प्रदेश का हो रहा है, जो कानून व्यवस्था यहाँ की है और जो हर गरीब आदमी को छत पर दिए मकान, उनके सिर पे मकान छत दे दी है, पहले किस तरह रोक कर रहे थे, अभी सर्दी है, 6,000 कंबल तो यहाँ आ चुके शामली जिले के अंदर सरकार ने दे चुके। तो इसलिए यहाँ मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा माननीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री जो ईमानदारी मेहनत से काम करता है, अब राहुल गांधी जी तो 2 दिन में निकल गए बड़ो से, वापिस चले गए, एलम नहीं रुके, एलम रुकना था। उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, सोनिया गांधी जी की, तो शामली जिले की जो बात कर रहे हैं वहाँ, और फिर आए और सुबह 7 बजे यहाँ निकल गए कांधले को। हमने पूछा बहुत भाई कितनी भीड़ थी, क्या थी जी, हमारे सामने को गए, हमें पता नहीं चला। लेकिन चलो, भीड़ तो यहाँ हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए अपने काम करते हैं, अपने नारे देते हैं। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। सर, जब से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो भाजपा के नेता बहुत कुछ बोल रहे हैं, तंज टिप्पणियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ तक अनुराग ठाकुर ने तो ये भी बोल दिया कि दोनों भाई बहन की बनती भी नहीं है। देखिए, भाई बहनों में कितना प्यार है, तमाम वीडियो तस्वीरें साबित करती है, बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा नजदीक करीब का है। सर, नजदीक तो भाई बहन का रिश्ता है ही, चाहे कोई हो, वो माने या ना माने, लेकिन मैं टिप्पणी निकल करना चाहता, हम लोगों का राजनीतिक लोगों का नहीं चाहता। देखिए, माज क्या कहना चाहता, हम है सार्वजनिक जीवन, चाहे भाई बहन हो चाहे कोई और हो, नेतर की तरफ अंगली उठी रहती है, हमारा नेता कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो भाई बहन है, लगाव है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने प्रेम दिखा है, तो प्रेम के बारे में लोग कोई अच्छी टिप्पणी कर रहे। मंत्री जी, राहुल गांधी के बारे में भाजपा के नेताओं ने ऐसा बोला था कि 43,000 की टी शर्ट पहनी है, और अब भाजपा के नेता बोल रहे हैं इनको सर्दी नहीं लग रही, इनको ठंड नहीं लग रही, क्या वजह है? क्या आप सलाह देंगे कि टी शर्ट के अंदर बनियान पहनिए, इनर पहनिए, स्वेटर पहनिए? देखिए, ये तो पहनना खाना हर आदमी का अपना व्यक्तिगत काम है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं, ये तो सड़क पे खड़े रहते हैं, मैं मजाक करते हैं, वो हर व्यक्ति का मजाक करते हैं,
कोई ज्यादा पहर रहा तो ठंड में मर गया, कम पहर रहा तो यहाँ तो एक प्रवृत्ति है, उन्हें टिप्पणी करनी है और उसके बारे में कोई विशेष नहीं हो तो आदमी का अपना स्वभाव है, वो क्या पहरेगा, क्या खाएगा, कैसे चलेगा, कितनी गर्मी उसमें है, तो ये तो यहाँ का स्वभाव है, ये राजनीतिक रूप से कोई अच्छी बात नहीं है। सर कभी तो टिप्पणी हो रही है भारत जोड़ो यात्रा पर, सर ऐसे ही एक फिल्म आ रही है पठान जिसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर की बिकनी पहनी हुई, सर उस पर भी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भगवा पहनने का तो सबको आजादी है, कौन कैसा पहनता है, किस कलर के पसंद करता है, लेकिन भगवा चूंकि एक पार्टी से हमारा जुड़ा हुआ संबंध है इसलिए मैं समझता हूँ उसको लेकर कोई टिप्पणी हमारे पार्टी के नेताओं ने की होगी, लेकिन पहनने के लिए आदमी की इच्छा है, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे चलेगा, इसलिए इसमें कोई हम ज्यादा टिप्पणी। हाँ सर, ये शाहरुख खान की जो फिल्म रिलीज हो रही है 25 जनवरी को, इसमें जहाँ भाजपा के नेता तो विरोध में आ गए हैं, वहीं ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव शाहरुख खान की जो फिल्म है पठान उसके पक्ष में आ गए हैं, सर आपका क्या कहना है? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें ये इजाजत दी है, हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे हमारे संस्कार है। सर आप तो एक अनुभवी आदमी है। देखिए बात आपकी ठीक है, हमें आजादी है अच्छे कपड़े पहनने की, किस कलर के पहनेंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ आप नीले रंग के कपड़े पहन के जाओगे तो आपको कहेंगे अरे बसपा का सर आगे दिखे कुछ मायावती का सर आगे दिखे, तो यहाँ तो एक प्रवृत्ति है, मैं इन पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन भगवा रंग चूंकि पार्टी से संबंधित है इसलिए भाजपा नेताओं को उसमें ऐतराज। सर उत्तर प्रदेश की बेटी सानिया मिर्जा जो कि फाइटर यानी पायलट बनी है, सर उसकी चर्चा तो कहीं पर भी नहीं है? नहीं, चर्चा अखबार में है। और सर क्या भाजपा के नेता उसको शुभकामनाएं देंगे सानिया मिर्जा को? देनी चाहिए, देखिए इसमें कोई जाति धर्म का नहीं, हमारा देश जो है वो मिले जुली संस्कृति का है, हर समुदाय के लोग यहाँ है, ऐसा नहीं हमारी पार्टी में नहीं है, पार्टी में भी है, मंत्री है और बहुत लोग हैं, तो ये कहना कि नहीं, उसे तो हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उन्होंने नाम रोशन किया है तो वो तो बधाई की पात्र है, उसमें पार्टी कहीं बीच में नहीं आती, अगर किसी ने देश के लिए प्रदेश के लिए योगदान किया है तो उसमें पार्टी कहाँ है कोई भी, वो तो एक सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, वो तो एक बधाई की पात्र। सर बस एक अहम सवाल क्योंकि आप जल्दी में हैं, जैसे आपने कहा कि भगवा कलर का भाजपा से गहरा ताल्लुक है, गहरा रिश्ता है, आपकी बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन जो भगवा कलर में पहनकर सर कुछ लोग बाबा यानी संत भगवा कलर पहनकर कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा, इस तरीके का नाप सुनाप बयान भी देते हैं, सर इस पर आपकी क्या राय है? ना हमें जलाने का किसी को अधिकार है लोकतंत्र में, हम सबका सम्मान करते हैं, ठीक है अपनी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग पहनावे हैं, लेकिन हमें उसमें कोई अधिकार ना जलाने का है ना कोई आलोचना का। दोस्तों आपसे रूबरू हो रहे थे उत्तर प्रदेश के बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र जी जो भाजपा में MLC है, दोस्तों एक ऐसे अनुभवी नेता हैं जो कम बोलते हैं, अच्छा और सच्चा बोलने का प्रयास करते हैं, और सर्दी ज्यादा बढ़ रही है, दोस्तों अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए और इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, नमस्कार।